एल्विश यादव और अभिषेक की कंट्रोवर्सी पर लक्ष्य चौधरी ने दिया रिएक्शन, किया मनीषा को भी टारगेट। जी हां, एल्विश अभिषेक की कंट्रोवर्सी के बीच में अब लक्ष्य चौधरी ने एक ट्वीट किया है। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है इस बात की जानकारी तो सबको है। सभी नेगेटिव पीआर वाली चल रही इस कंट्रोवर्सी के बारे में अब काफी कुछ जान चुके हैं और सबको पता है कि अभिषेक और एल्विश के बीच में काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है। पर जो लोग ट्विटर पर है वो तो खास तौर पर इसे इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आए दिन ट्विटर पर कुछ ना कुछ नई कंट्रोवर्सी से रिलेटेड देखने को मिल ही जाता है। वो कंट्रोवर्सी अगर बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के बीच चल रही हो तो फिर और भी ज्यादा हाईलाइट हो जाती है। चलिए आपको बताते हैं कि फेमस यूट्यूबर लक्ष्य चौधरी ने आखिरकार क्या कुछ कहा है चल रही इस नेगेटिव पीआर कंट्रोवर्सी के बारे में। लक्ष्य चौधरी ने लिखा है कि हर बार लोग पॉजिटिविटी फैलाओ क्यों कहते हैं भाई, फैलाने तो नेगेटिविटी मजा आता है नेगेटिविटी में। कलेश हो, गाली गलौज हो, तभी तो दिन में मजा आएगा, वरना बोर लगता है। ये एक किस्म का सरकास्टिक पोस्ट है और काफी ज्यादा क्रिप्टिक पोस्ट है जो उन्होंने काफी सारे लोगों पर निशाना साधते हुए शेयर की है। यहाँ पर एक तरीके से उनका कहना है कि सारे लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी खुद फैलाते हैं और फिर फैंस के सामने चिल्लाते रहते हैं कि पॉजिटिविटी फैलाओ। नेगेटिव काम खुद करते हैं लेकिन खुद को ही नहीं देखते, कई लोग ऐसे हैं, ऐसा लक्ष्य का कहना है। वेल, फैंस लक्ष्य चौधरी के इस ट्वीट को मनीषा रानी से जरूर कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मनीषा ने कुछ घंटे पहले ही एक वीडियो शेयर किया और कहा कि पॉजिटिविटी फैलाए वो और सभी खुश रहे। मनीषा ने वीडियो में ढेर सारी बातें कही थी। लक्ष्य ने कुछ लोगों को ताना भी मारा है जो खुद डालते हैं नेगेटिविटी लेकिन बाद में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लक्ष्य हो सकता है जल्दी इस बारे में कोई और बड़ा बयान भी दे दे, या फिर मनीषा के इस वीडियो और चल रही इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी पर अपने यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो भी बना दे। वेल, आपका लक्ष्य चौधरी के इस ट्वीट पर क्या कुछ है कहना हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।